नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वह काफी इंपॉर्टेंट है और उसमें कहीं ना कहीं न्यू क्रिमिनोलॉजी आने के बाद या न्यू क्रिमिनल लॉज आने के बाद जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन को जोड़ा गया है BNSS में, वह है 105। जी हाँ, इसमें दिया गया है कि जो सर्च एंड सीजर होता है उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग जो है अब करना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर सर्च एंड सीजर जो है, सर्च एंड सीजर ये पहले जो था CRPC में था? तो आंसर है बिल्कुल था। तो पहले सर्च एंड सीजर क्या था और अब BNSS में क्या है? आखिर पहले जो सर्च एंड सीजर का प्रोसेस था उसमें क्या कमी थी कि इसे लाया गया है? तो पहले हम लोग समझते हैं CRPC जो पहले था उसमें क्या हुआ करता था। पहले जब सर्च एंड सीजर होता था तो सर्च एंड सीजर कब होगा? जब मान लीजिए पुलिस को कुछ पता चला कि हाँ इस चीज का प्रयोग किसी क्राइम में किया गया या किया जाने वाला है, यानी इन फ्यूचर। दो, तीसरा, या अनुसंधान में इस चीज का उपयोग हुआ था तो, और वह चीज यहां रखी गई है तो वो क्या करेगा, रेड मारेंगे, सर्च एंड सीजर बनाएंगे, उसको सीजर लिस्ट बनेगा और उसको इम्प्लेंट करेगा। आप समझिए, एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि किसी के पास एक कट्टा बरामद हुआ, ठीक है, तो पुलिस सर्च एंड सीजर की, उस देसी कट्टा के बदले उन्होंने क्या किया, कमर में भी दिखा दिया और गाड़ी के डिक्की में भी दिखा दिया, तो क्या हुआ, बाइक भी इंपाउंड होगा और वो बंदा तो जाएगा नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्राइम को एग्जरेट कर दिया गया। दूसरा सिनेरियो, मान लीजिए कि कभी कोई अरेस्ट हुआ किसी भी क्राइम में और उस क्राइम में जब इन्वॉल्वमेंट थी, मोबाइल निकाला उसका और साथ ही साथ जो भी आर्म्स यूज किया था उस क्राइम में वह दोषी आदमी उसका, और हो सकता था कि उसके पास जो है सामान जो है लूट का भी हो। मान लीजिए कि लूट पाट हुआ उसी में मर्डर हो गया था, तो लूट पाट और मर्डर जो हुआ तो उसमें लूट पाट का कुछ सामान भी होगा उसके पास। मान लीजिए सामान में सामान उसके पास 10 मोबाइल मिला, तो पुलिस वाले क्या किए, एक मोबाइल दिखाए, 2-3 मोबाइल पर एंट्री ही नहीं किए सीजर लिस्ट में, तो क्या हुआ, सीजर लिस्ट प्रॉपर बना क्या? आंसर नहीं। दूसरा सिनेरियो, मान लीजिए बिहार एक्साइज एक्ट के संदर्भ में समझते हैं। बिहार एक्साइज एक्ट में किसी गाड़ी पे आप जा रहे थे तो उस गाड़ी रात में क्या पुलिस वाले से कहा सुनी हुई, वह गुस्से में क्या किया, आपकी गाड़ी पे एक बोतल लिकर को इंपाउंड कर लगा दिया, उसको प्लेस किया और उस गाड़ी को भी इंपाउंड कर लिया जाता था, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, वह सीजर लिस्ट जो था वह गलत बना और आपको गलत फंसाया गया। उसी को जो है हमारे जो गवर्नमेंट थी उस समय की, वर्तमान गवर्नमेंट जो BNSS को लाया है CRPC, जो उनको यह रियलाइज हुआ तो ऐसा जो घटना है, या तो सीजर लिस्ट बनाते वक्त कुछ छोड़ दिया गया हो, इंस्ट्रूमेंट को सीजर लिस्ट पे नहीं एंट्री किया गया हो, उसको कहीं न कहीं जब गप्त गोल कर दिया पुलिस वालों ने, या दूसरा कि मिला कुछ उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, मिला एक कट्टा तो उसको 4 कट्टा दिखा दिया गया और एक कट्टा उसकी गाड़ी पे दिखा दिया गया, तो कहीं ना कहीं गाड़ी भी गया और बंदा तो गया ही गया, तो यह क्या हुआ, उस क्राइम को बढ़ा चढ़ा दिया गया, इतना उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी गई या सेक्शंस ऐड कर दिए गए कि उसको आसानी से बेल मिलेगा ही नहीं, या बेल मिल भी गया तो बाद में उसको ट्रायल में क्या हो रहा, सजा बनता है। इसी बात को समझते हुए हमारे गवर्नमेंट ने रियलाइज किया, नहीं अब यदि सर्च एंड सीजर होगा तो उस समय में क्या होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग मैंडेटरी कर दिया गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। तो इन्हीं सारी बातों को मैं बताते हुए अभी भी मैं दिखाऊंगा कि BNSS में ऑल्दो की वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रोविजन है, लेकिन इस प्रोविजन के बाद भी क्या पुलिस वाले खेल कर सकते हैं या खेल कर रहे हैं, तो इन सारी बातों से मैं आपको रूबरू कराता हूं, तो अंत में बने रहिएगा। चलिए स्टेप बाय समझते हैं। सर्च एंड सीजर में पहला आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या सर्च किया जाता है या क्या सीज किया जाता है, तो इसमें या तो आदमी को सर्च एंड सीजर होगा, आदमी को यदि मान लीजिए पता चला कि किसी के पास जो है रिवॉल्वर है, देसी कट्टा है, एटसेट्रा, दारू है, कुछ भी है, लिकर वगैरह कुछ भी, तो उसका बॉडी को यानी पर्सन को चेक कर सीज कर सकता है, या उसके प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, व्हीकल, या इनमूवेबल प्रॉपर्टी हो, अचल संपत्ति हो, जैसे मकान। मान लीजिए कोई किसी को पता चला इस घर में जो है लिकर को स्टोर किया गया है, इसको कहेंगे ब्लैक मार्केटिंग से बेचेगा या इसको सप्लाई करना है किसी को, तो वो क्या करेगा, प्रेमिसेस में आके करेगा, कहीं ना कहीं पर्सन एंड प्रॉपर्टी को ही इसमें क्या किया जाता है,
सर्च एंड सीजर किया जाता है, जो भी मिलता है उसको सीजर लिस्ट में एंट्री की जाती है। अब आइए आपके जहन में फिर क्वेश्चन उठता होगा, आखिर क्यों किया जाता है सर्च एंड सीजर? ये सर्च और सीजर यदि होगा तो आखिर क्यों होगा? तो इसका जवाब है इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम। जिस भी चीज को सर्च और सीज करने के लिए जाती है पुलिस या पुलिस को पता चलता है तो उसका पहला कारण क्या है? उस वस्तु का प्रयोग या तो क्राइम में हो चुका है या होने वाला है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट कहां होगा? क्राइम में। दूसरा, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यदि किसी वस्तु का आज जो है बंदा अरेस्ट हुआ, वह अरेस्ट होने के बाद क्या बोला कि हम उस घर में इस आर्म्स को छिपा रखे हैं, तो वो क्या करे? वहां जाके उस घर को, यदि ताला मारा हुआ तो ताला को तोड़ेगा या उसके ओनर को बोलेगा कि गेट खोलिए आप, मुझे सर्च करना है क्योंकि इसमें पता चला जो आर्म्स है उस आर्म्स का कहीं ना कहीं क्या हुआ, उस मर्डर में यूज हुआ था। या मान लीजिए उसको पता चलता है कि उस घर में जो है एनडीपीएस के तहत कुछ अफीम, गांजा एक्सेट्रा, कुछ भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो है वो स्टोर करके रखा गया है, जिसको पता चलेगा तो उस प्रेमिसेस में बिल्डिंग में क्या करेगी, रेड मारेगी वो, तो कहीं ना कहीं उसका क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है या होने वाला है। दूसरा, अनुसंधान के पर्पज से जब घटना कारित हो जाता है उसके बाद। अब आइए फिर आपका मन में क्वेश्चन उठता होगा, आखिर कौन करेगा ये सर्च एंड सीजर? तो ये सर्च एंड सीजर करने का राइट दिया गया पुलिस ऑफिसर को, पुलिस वालों को यह राइट दिया गया है। तो अब जो है सर्च एंड सीजर बाय पुलिस ऑफिसर, यह आपको बीएनएसएस में मिलेगा 185 सेक्शन, 185 जो सेक्शन है वह बताता है कि पुलिस ऑफिसर या एसएचओ या किसी क्राइम में किसी पुलिस ऑफिसर को इंगेज किया गया, दैट मीन्स आईओ, उसको ये राइट दिया गया है सर्च एंड सीजर करने का, आपको राइट है। तो इस सेक्शन में जाएंगे तो सारा प्रोविजन दिया गया है, उसके बाद क्या क्या राइट दिया गया, कैसे वो सर्च एंड सीजर करेगा, एवरीथिंग। अब क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट है, जो चेंजेज है, कि यह पुलिस वाला कैसे करेगा सर्च एंड सीजर, क्या प्रोसेस होगा? पहले समझिए क्या होता था सीआरपीसी में। सीआरपीसी मान लीजिए किसी जगह पर रेड मारा, सपोज वहां पता चला गांजा रखा गया है, वह पुलिस वहां पे गया तो पहले रूल था क्या, जो लोकेलिटी के दो व्यक्ति हैं उनको आप विटनेस बनाएंगे, पहले खुद का सर्च करवाएंगे, उसके बाद अगला आदमी का सर्च करेंगे और प्रीमिसेस से सर्च करेंगे, और उसी दो इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने उसको सर्च एंड सीजर बनाएंगे, उसका लिस्ट पे सीजर लिस्ट पे क्या करेंगे, साइन लेंगे, वो स्वतंत्र गवाह है। यदि किसी कारणवश मान ली रात में रेड मारे थे, क्या स्वतंत्र गवाह मिलेगा? आंसर है कम चांस है। ऐसी स्थिति में आप अपने ही पुलिस वाले में से दो को उठाइए और उससे अपने आप को पहले सर्च कराइए, फिर अगला को सर्च कीजिए और अगला के प्रमिसेस को सर्च कीजिए, और उसी दो जो आपके साथ में पुलिस टीम में थे, कांस्टेबल या कोई भी, उसका आप साइन देंगे। तो स्वतंत्र गवाह मिला क्या? नहीं, यहां पुलिस ही गवाह बन जाता था। तो यहां पे जो है यह बोलता ठीक है, जो पुलिस को आप गवाह बनाते थे, जहां पे मैक्सिमम केसेस में कहीं ना कहीं क्या झूठा केस होता था, और सर्च एंड सीजर क्या करता था, पुलिस वाले गलत सीजर लिस्ट बनाते थे, या तो कुछ सामान को जब्त करके ज्यादा दिखा दिए या तो उस कुछ सामान को गायब ही कर दिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा कि भैया अब ऐसा है कि यू हैव टू, दैट मीन शैल, जो वर्ड यूज है इसमें वो है शैल, क्या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मस्ट जो है कर दिया गया है। किस सेक्शन में? अंडर सेक्शन 105 बीएनएसएस, हाँ, भारतीय न्याय संहिता में, ये सुरक्षा संहिता में जो है इसमें 105 सेक्शन जो है 105 उसमें दिया गया है, पुलिस ऑफिसर शैल डू, दैट मीन्स ही हैज टू डू दिस प्रोसेस, ऑल द सर्च एंड सीजर प्रोसेस हैव टू बी कैप्चर्ड बाय द मीडिया ऑफ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। अब है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भैया कैसे करेंगे आप? तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, या तो आपके पास कैमरा है तो उससे, नहीं है कैमरा तो प्रिफरेबली मोबाइल, दैट मीन मोबाइल से भी आप बनाएं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर पुलिस वाला जाएगा और डीसीएलआर कैमरा जो है एक बड़ा अच्छा कैमरा हाई रेजोल्यूशन का लेके चलता रहेगा, फिर गवर्नमेंट का फिर उसके लिए फंड आएगा, टेंडर आएगा, फिर उसमें भी खेल होगा, तो खैर तो वो नहीं है। तो आपके पास हर पॉकेट में मोबाइल है तो मोबाइल से ही आप ये वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाइए और उसके बाद आप सीजर लिस्ट बनाइए, कहीं ना कहीं अप्रिसिएबल है। अब क्या हो रहा है, धांधली जो है या गलत जो है सीजर लिस्ट बनने का चांस कम है, ठीक है। तो फिर आता है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अब मैं बताता हूं इसकी कमी क्या है।
सबसे बड़ी कमी, और जो मैं कमी बताऊंगा वह कमी कहीं ना कहीं आपके ऐसे YouTube को देखने वाले मेरा जो वीडियो है कुछ व्यूअर ही मुझे कॉल किए। मैं जो भी एग्जांपल यूज कर रहा हूँ वो मेरी खुद की नहीं है, वह आप में से किसी भाई ने फोन करके बताया था, जिसको मैं आपके सामने में एनोनिमसली प्रोड्यूस कर रहा हूँ अपना स्टोरी बना के। तो समझिए डिमेरिट को, इस BLSS में भी या कहीं भी मेंशन नहीं है व्हेन दिस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग विल स्टार्ट। सपोज दैट मैं थर्ड फ्लोर पे रह रहा हूं, नीचे से आप वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएंगे कि मेरे गेट में जब डोरबेल बजाएंगे तो वहां से वीडियो बनाएंगे, या मेरे घर में घुस के आप वीडियो बनाएंगे, कहीं पे भी यह जो है एक्ट नहीं बोलता है। तो नहीं बोलता है तो भाई क्या होगा, पुलिस यहां पे निकालती है तोर, अनुसंधानकर्ता या IO या पुलिस कर्मी को कुछ प्रिविलेजेस दिया गया है। कुछ प्रिविलेजेस क्यों दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है तो आपसे यह उम्मीद किया जाता है आप इस यूनिफॉर्म का रिस्पेक्ट करेंगे, और आपका जो पर्पस रिक्रूटमेंट हुआ है, जो ट्रेनिंग दी गई है उसको एडियर करते हुए आप कम से कम अपने मिसकंडक्ट तो नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है यूपी बिहार झारखंड की, अगला स्टेट का मुझे नहीं पता है, इस तीन का तो अच्छे से पता है, और जो वेयर व्यूअर है उनको भी पता होगा क्या खेल होता है। समझाता हूं मैं खेल को, क्या खेल होता है, या यूं कहें कि क्या खेल हो सकता है। सही एग्जांपल समझता हूं, फिर वही बोलूंगा अपने व्यूअर का एग्जांपल। पहला एग्जांपल, किसी ने खबर किया पुलिस को कि मेरे पास में आर्म्स है, ठीक है, पुलिस आई रेड मारी, पुलिस वहां से रेड मार के मुझे पकड़ के थाने ले जाती है, या पुलिस क्या करती है जब थाने ले जाती है उसके बाद वो वीडियो रिकॉर्डिंग अपने अनुसार सेटअप बनाता है, उसके बाद बताता है कि तुम रिवॉल्वर लो, फिर उसको निकालो, इस तरह से वो वीडियो को क्रॉप करता है स्टार्टिंग से ही। तो आपने जब नहीं बताया है कि कहां पे करेगा, हो सकता है वह पुलिस स्टेशन के जो थाना है या थाना चौकी है उसके बाहर कहीं पे भी उसको शूट किया गया हो, तो क्या यह वीडियो जेन्युइन है? आंसर नहीं। दूसरा सिनेरियो मैं बताता हूं आपको, आर्म्स एक्ट के केस में ही, मान लीजिए पुलिस रात में आपका घर नॉक करती है, पहले तो आपको राइट है यह जानने का कि क्या आप जो नॉक किए हैं या आप मेरे रात में आए हैं उठाने के लिए तो आपके पास वारंट भी है क्या? आप मांगेंगे वो दिखाएंगे नहीं, ठीक है। अब आइए वो एंटर करते हैं आपके घर, मुझे पता चला है कि आपके घर में देसी कट्टा या कुछ रिवॉल्वर रखा गया है, और उसी समय में आपको होना क्या चाहिए था, जैसे मेरा गेट डोर बेल बजाया एंटर किए वहीं से आपको क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए जैसे ही मेरे से इंटरेक्शन हुआ, और एक कांस्टेबल या कोई आपको यदि वीडियो बनाता तो वहां से जेन्युइननेस स्टार्ट हो जाता। उसके बाद यदि हर पुलिस वाला चार आया तो एक तो आपसे बात कर रहा है, दूसरा सर्च करने के चक्कर में आपके घर घुसा और बाथरूम में आपको प्लांट कर दिया एक देसी कट्टा, दो देसी कट्टा जोन को, क्योंकि देसी कट्टा मैं इसी वर्ड यूज करता हूं, ये हमारे बिहार में आसानी से मिलता है, बिहार यूपी में जितने जनसंख्या उससे ज्यादा देसी कट्टा आपको इजीली अवेलेबल है, तो थाना में कैसे अवेलेबल हो सकता है तो आप और हम अच्छे से जानते हैं, और वो उसको इम्प्लांट किए, उसके बाद वो कहेंगे शाउट करेंगे हाँ 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 रिवॉल्वर मिल गया या देसी कट्टा यहां रखा है, झोले में क्या है पूरा फेमिस्टर से, उसके बाद वो क्या करेंगे वीडियो बनाएंगे। भैया जब आप एंटर किए थे तभी यदि वीडियो बनाए होते, मेरे से जो वार्तालाप हो रही है उसका वीडियो होता, उसके बाद यदि आप रूम में सर्च करते वक्त मिलता, दैट विल बी द जेन्युइन वीडियो। यदि आप पहले इम्प्लांट करते हैं फिर उसके बाद अपने हिसाब से वीडियो बनाते हैं, यह है आपका खेल, और यह है आपके लॉ एंड ऑर्डर का और आपके यूनिफॉर्म का रिस्पेक्ट जो आप करते हैं। चलिए अब समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और छूट गया था, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएंगे आप, मैंडेटरी है, किससे बनाएंगे, मोबाइल से बना सकते हैं और भी किसी मीन से, उसका एक और वर्ड है शैल, दैट मीन्स की दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी, दैट वीडियो रिकॉर्डिंग शैल हैव टू प्रोड्यूस या प्रोवाइड टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और यहाँ पे अथवा GM फर्स्ट क्लास, इन लोगों को आपको यह जो वीडियो है कितना दिन में देना चाहिए, यहाँ पे लॉ साइलेंट है, बस दिया गया है एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो विदाउट डिले आप इन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। चलिए पुलिस का खेल भी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दिया, ठीक है। यह सर्च एंड सीजर कहां से, यह बिहार में लीकर के केस में भी हो सकता है, NDPS केस में, कोई भी चाहे गांजा हो अफीम हो चरस हो एटसेट्रा कुछ भी, उसमें भी यही प्रोसेस ये फॉलो होगा, जहां भी सर्च एंड सीजर होगा चाहे आर्म्स एक्ट में हो या नार्कोटिक्स में हो या किसी अदर्स केसेस में हो। अब बात आती है कि सर आपने प्रॉब्लम बता दिया, प्रिकॉशंस बताइए क्योंकि इस खेल को कैसे रोका जाए, यदि उनके पास यदि कोई गलत ही कर रहा है पुलिस वाला, इथिकली रॉन्ग है,
तो आप सजग रहिए, प्रिकॉशंस लीजिएगा तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला, जैसे ही वो आपके घर में घुसता है पुलिस वाला या आता है तो नेम प्लेट होता है, नेम प्लेट नहीं आपका राइट है, पहले पूछिए कि आप अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज कीजिए पहले, नहीं तो मत खोलिए। वह पुलिस वाला है, क्रिमिनल नहीं है कि सटाएगा बंदूक को गोली मार देगा, ठीक है, गोली तो नहीं मारेगा, अरेस्ट बिना मतलब नहीं करेगा, यदि करता भी है तो आप प्रोड्यूस करेगा आपको मजिस्ट्रेट सामने, तो आप छूट जाएंगे। पहला चीज, यदि वो कुछ दिखाते हैं सर्च एंड सीजर का वारंट या नहीं दिखाते हैं तो उनका आइडेंटिटी लीजिए, नेम प्लेट देखिए, बकायदे बोलिए सर रुकिए, आपके भी हाथ में मोबाइल है, यह मोबाइल एक ऐसा वस्तु है ना जो सबके पास है, आज जो 1 साल का बच्चा वो भी बिना मोबाइल में वीडियो देखे खाता नहीं है, तो दैट मीन्स कि सबके पास अवेलेबल है, आप ही वीडियो बनाइए ना, ये वो नहीं बना रहा तो आप बना लो, आप बोले सर ठीक है आप जो करना कीजिए मैं अभी से वीडियो बना रहा हूँ, आपको मैं ही हेल्प करता हूँ सर, आप लीजिए मेरे घर को सर्च और सीजर कीजिए, मैं वीडियो बनाता हूँ। सबसे पहली बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, डरना नहीं है, चाहे रोड पे वो आपको पकड़ लिया है पुलिस, इसका मतलब अप्रिहेंड करने वाले वो, यदि आपके पास कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ही वीडियो बनाइए, यदि आपके पास ऑलरेडी है तो वीडियो तो बनाएगा ही, तो भी आप जाएंगे, तो बेटर क्या है आप वहीं पे वीडियो बनाइए, कुछ ना कुछ आपके एडवोकेट को क्लू मिल जाएगा कि सर्च एंड सीजर का प्रोसेस क्या किया गया है, फॉलो नहीं किया गया है तो बेल मिलने का चांस बढ़ेगा, समझ जाइए यहाँ पे। तो आप क्या कीजिए, ट्राई टू मेक वीडियो बाय योरसेल्फ, आप खुद से ही वीडियो बनाइए, या आपके ग्रुप में फैमिली में फ्रेंड कोई भी है तो वो वहां बनाए, और आप क्राउड से भी मेरा निवेदन है यदि कहीं पे ऐसा सर्च एंड सीजर होते हुए देख रहे हैं कृपया करके जितना जल्दी हो वीडियो बनाइए, ठीक है, वीडियो बनाए उसके बाद यदि वीडियो बनाते हैं या कुछ भी आपको लगता है सर्च एंड सीजर में गलती करी है तो आप क्या कीजिए, कंप्लेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, आप या आपके बिहाफ पे कोई फैमिली एंड फ्रेंड्स कोई भी उन सारी घटनाओं को लिखते हुए सर्च एंड सीजर गलत हुआ है क्या हुआ सच्ची घटना पर आधारित सारे कहानी को लिखें टू द थाना प्रभारी थाना अध्यक्ष या SHO टू द कंसर्न, उसके बाद इसको आवेदन लिखिए, कॉपी टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को रखिए, एक प्रतिलिपि उनको दीजिए और तीसरा प्रतिलिपि ह्यूमन राइट कमीशन को भी दीजिए जो आपके राज्य का ह्यूमन राइट कमीशन है या मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग, इन तीनों दोनों को CC में रखिए और इनको क्या कीजिए, इनको आवेदन लिखते हुए हैंड टू हैंड नहीं देना है, क्या करना है जाके सीधा इंडियन पोस्ट जो है खुला हुआ है आराम से उससे स्पीच पोस्ट कीजिए या रजिस्ट्री कीजिए तो वो पोस्टल रिसिप्ट देगा, एक प्रतिलिपि अपने पास रखिए उसे चिपका के रखिए। यदि आपने इनको आवेदन दिया और अनुसंधान में इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है ये दैट मीन्स कि या इग्नोर किया या इग्नोरेंस का शिकार है या इंटेंशनली इग्नोर कर रहे हैं और आईओ कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया है, आपको कोर्ट को कंसिडरेशन देगा, आपको कोर्ट का अटेंशन मिलेगा और बेल लेने में आपको आसानी होगी, साथ ही साथ यह चीज आपको ट्रायल में भी डेफिनेटली हेल्प करेगा। यदि आप लोग सब लोग जगे रहेंगे तो सर्च एंड सीजर का प्रोसेस जो है वो जो गोल है हमारे गवर्नमेंट का वो अल्टीमेट गोल है, वो अल्टीमेट गोल लॉ बना है तो लूपहोल्स होगा, नहीं है लूपहोल्स तो हमारे ऐसे इनोवेटिव लोग वो लूपहोल्स क्रिएट करेंगे, तो लूपहोल्स जहां क्रिएट होगा वहां पे खेल होगा, वो यही खेल होगा, इससे यह खेल ना हो आप भी खेलिए, आप यदि जेन्युइनली खेलेंगे तो अगला गलत खेल खेलेगा तो भी उनको जेन्युइनली आना पड़ेगा। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके आम जन तक जरूर फैलाएं और इस सूचना की क्रांति में आप भी हिस्सेदार बने, यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें सब्सक्राइब करें और औरों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।